माता की। भारत माता की भारत माता की भारत माता की बेलारी कोल सोदार नन्ना नमस्कार मैं आंजने आद्री तीर्थ श्री विरूपाक्ष मंदिर और श्री विजय विठल देवस्थान को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं साथियों बेलारी की ये धरती विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की गवाह है इसलिए यहाँ के लोग विकसित भारत विकसित कर्नाटका के संकल्प के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं इस चुनाव में मुझे देश के अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला है अभूतपूर्व जन समर्थन अभूतपूर्व आशीर्वाद और जहां भी गया हूं चारों तरफ आत्मविश्वास के साथ पूरे संकल्प के साथ देश की जनता ने हमें आशीर्वाद देना तय कर दिया है और पूरा देश एक स्वर से कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और बहनों आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ देशों को कुछ संस्थाओं को ये पसंद नहीं आता है बहुत से लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारत कमजोर हो सरकार कमजोर हो तो फिर खुद को जो फायदा उठाना है वो बड़ी आसानी से उठा सकते हैं ऐसी कमजोर सरकार में ये लोग अपने हिसाब से जो भी काम निकलवाना होता है बेधड़क बिना झिझक निकाल देते हैं और कांग्रेस को भी इससे करप्शन की खूटी खुली छूट रहती थी इसलिए तुम भी कमाओ मैं भी कमाओ तुम भी मालामाल मैं भी मालामाल यही खेल उनका चलता रहता था लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है उनकी चिंता ये है कि ऐसी सरकार है जो झुकती नहीं है ये ऐसी सरकार है जिसको कोई ताकत झुका नहीं सकता है और आप में से जो लोग दिल्ली की लूटियन की दुनिया से परिचित हो उनको पता होगा कि 2014 के पहले दिल्ली की राजनीति के गलियारों में दलालों का जोर रहता था होटलों के कमरे सालों साल के लिए दलालों के नाम पर बुक रहते थे और दलाली से ही दिल्ली में सारे काम करवा लिए जाते थे ये 2014 से जब से आपने मुझे बैठाया है ये सारे गलियारों में भी स्वच्छता अभियान हो गया है ये सारे दलाल दिल्ली छोड़कर राज्यों में दुकानें खोज रहे हैं मैं कांग्रेस और उसके साथियों को साफ साफ कहना चाहता हूं आप लोग चाहे जितना जोर लगा लीजिए भारत विकसित होके रहेगा हमारा कर्नाटका विकसित होके रहेगा कांग्रेस की तुकड़मबाजी नहीं चलेगी साथियों कल्याण कर्नाटका के विकास को बीजेपी अपनी जिम्मेदारी मानती है केंद्र सरकार ने दस वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए थाउजेंड्स ऑफ़ करोड़ रुपीज की योजनाओं को लागू किया है बीदर कलबुर्गी बीजापुर ये रोड का काम हो बेलगावी हुगुंद रायचूर एक्सप्रेस वे हो मुनिराबाद गिणी रायचूर और गदवाल रायचूर रेलवे लाइन हो या गदाग बड़ी रेलवे लाइन हो आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है साथियों कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने कल्याण कर्नाटका के लिए भविष्य की मजबूत नींव तैयार की है हमारे बेलारी में जीन्स इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम संभावनाएं मौजूद है इनके विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे हमारी सरकार पीएलआई स्कीम्स और पीएम मित्र पार्क के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है पीएम मित्र पार्क स्कीम में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज के निवेश का अनुमान है इससे यहां अनेकों नए रोजगार सृजन होगा हमारा प्रयास है कि बेलारी की जीन्स मेड इन इंडिया की पहचान बने पीएलआई स्कीम से यहां के स्टील उद्योग को भी मजबूती मिली है साथियों बीजेपी के प्रयासों से कोप्पल का टॉय क्लस्टर भी अब दुनिया में छाने जा रहा है कोप्पल की टॉय इंडस्ट्री में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है जिससे यहां रोजगार के अनेक नए मौके बन रहे हैं आप हैरान हो जाएंगे भाइयों भारत जैसा देश हमारे यहां हस्तशिल्प में लोग माहिर हमारे खिलौने हमारी बहुत बड़ी विरासत लेकिन भारत लाखों करोड़ों रुपया का खिलौने टॉयज इंपोर्ट करता था और जब मैंने खिलौने अब इंपोर्ट नहीं होंगे अब हिंदुस्तान के खिलौने दुनिया में जाएंगे इसके लिए एक के बाद एक कदम उठाए तो एक कांग्रेस वाले मेरी मजाक उड़ाते थे कि देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री ये खिलौने खिलौने करता रहता है लेकिन आज दुनिया के देशों में भारत के खिलौने एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया और जो इंपोर्ट हो रहा था उसमें बहुत तेजी से गिरावट आ रही है बीजेपी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र यहां के खिलौनों के लिए नया मार्केट बन रहा है ग्लोबल मार्केट बन रहा है साथियों बीजेपी ने कर्नाटका में विकास की फसल लगाई कांग्रेस उसे तबाह करने के लिए काम कर रही है कांग्रेस का एजेंडा है खुद को खुद कोई काम करना नहीं और बीजेपी ने जो काम किए हैं उन कामों को जहां है वहां अटका देना रोक देना हमने कर्नाटका में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम किया लेकिन कांग्रेस ने आते ही राज्य में बिजली का संकट पैदा कर दिया था आप भी जानते हैं कि बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री अपने आप ठप हो जाएगी इस संकट का बुरा प्रभाव कर्नाटका की इंडस्ट्रीज पर पड़ा साथियों यहां कर्नाटका में एक तरफ किसान पानी की किल्लत से परेशान है दूसरी तरफ कांग्रेस ने किसानों के हक का पैसा भी मार लिया है जब कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी तो किसान सम्मान निधि के साथ किसानों को फोर थाउजेंड रुपीज कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा मिलते थे लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों को मिलने वाली ये मदद बंद कर दी गई साथियों कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने एपीजमैंड पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं यहां ऐसे माइंडसेट को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कर्नाटका के लिए देश के लिए खतरनाक है क्राइम को टेरर को वोट बैंक के तराजू से नहीं तोला जा सकता वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा जा सकता लेकिन कांग्रेस वोट बैंक की अपनी सोच से बाहर निकलने के लिए कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है अब पीएफआई पूरा देश जानता है बच्चा बच्चा जानता है कि एक खतरनाक संगठन है इस खतरनाक संगठन ने देश को तबाह करने की बहुत बड़ी साजिश रची हुई है और उसके एक एक कारनामे में जब सरकार के सामने आए तो हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया जो भी होगा मुकाबला कर लेंगे लेकिन पीएफआई को हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे पीएफआई को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे पीएफआई को निर्दोषों का कत्ल नहीं करने देंगे पीएफआई पी को लोगों को शस्त्रों की ट्रेनिंग देने के कुकृत से वो नहीं करने देंगे और इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ी हिम्मत करके पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया पीएम पीएफआई के जो बड़े बड़े स्मारक थे वह जेलों में सड़ रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य देखिए देश के लिए इतनी खतरनाक पीएफआई वो आज कांग्रेस के लिए लाइफलाइन बन गई है कांग्रेस उनके प्रति हमदर्दी रख करके उनके लोगों से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के ऐसे रवैये के कारण बेंगलुरु के कैफे में बम ब्लास्ट करने की हिम्मत हुई सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कांग्रेस के राज में हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है हुबली के कॉलेज में सरेआम एक नौजवान बेटी को चाकू के एक के बाद एक बार कर करके मौत के घाट उतार दिया गया लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की प्रवृत्ति करने वालों के लिए डर का नामो निशान नहीं रहा है उल्टा जिनकी बेटी मारी गई वो पूरा परिवार बेचारा चिंता में जी रहा है और ये कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है जब कैफे में ब्लास्ट हुआ तो उन्होंने पहला क्या बयान दिया कि तो गैस सिलेंडर फटा है अब ये सिलेंडर फटा है कि इनका दिमाग फटा है बाद में क्या बयान दिया कि नहीं गैस सिलेंडर तो नहीं फटा लेकिन ये बिजनेस राइवलरी थी थी दूसरे बिजनेस वाले ने कंपटीशन में किया है और जब एनआईए के पास मामला आया और जब जांच शुरू हुई तो इसके पीछे खतरनाक साजिश ध्यान में आई बंगाल में जाकर के लोग पकड़े गए क्या मेरे भाइयों बहनों क्या कर्नाटका को बम बंदूक के साय में जीने के लिए मजबूर करना हमें मंजूर है क्या ये बम धमाके हमें मंजूर है क्या और सोई हुई सरकार हमें मंजूर है क्या क्या निर्दोषों को मरने देंगे क्या नेहा को उस बेटी का क्या गुना था और उसके पिता तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है फिर भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार साथियों ऐसी सरकार वोट बैंक की भूखी सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती साथियों मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं मेरे लिए नहीं देश की नेहा जैसी करोड़ों बेटियों की जीवन की रक्षा के लिए आया मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं सत्ता में बैठ करके मौज करने के लिए नहीं ये बम धमाकों की सोच वाले लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मैं मांगता हूं जरा 2014 के पहले के दिन याद कीजिए 2014 के पहले का समय याद कीजिए आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे बेंगलुरु में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे मैंगलुरु में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे कोइमतूर में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे अयोध्या में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे दिल्ली में उनकी नाक के नीचे बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे 2014 के बाद ये बंद हुआ कि नहीं हुआ हुआ कि नहीं हुआ भाई जो बहनों अगर देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके जहन में है तो अच्छे अच्छे बम बंदूक भी ठिकाने लग जाते हैं और आज लग गए हैं और मेरे साथियों ये मोदी है जो लोग जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे जो पड़ोस में से आतंकवाद एक्सपोर्ट करते थे आज वो आटा इंपोर्ट करने के लिए लाले पड़ रहे हैं लाले पड़ रहे हैं एक जमाना था आतंकवादी आकर के हमारे वीर जवानों के सर काट करके ले जाते थे और आज ये मोदी है घर में घुस करके मारता है साथियों मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं ये बम धमाकों वालों के बुरे दिन आए किसके कारण किसके कारण ये बम धमाके बंद हुए किसके कारण ये आतंकवादी कांपने लगे किसके कारण ये आतंकवादी भागने लगे किसके कारण आपका जवाब गलत है ये मोदी के कारण नहीं ये जो परिवर्तन आया है वो आपके वोट की ताकत से आया है अगर आपका वोट न होता अगर आपके आशीर्वाद न होते दिल्ली में मजबूत सरकार न होती तो आज भी बम धमाके होते रहते निर्दोष लोग मरते रहते भाइयों बहनों मेरे लिए 140 करोड़ देशवासी 140 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है मैं बिना रुके बिना थके दिन रात दौड़ता हूं सिर्फ आप सिर्फ 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के लिए साथियों अगर नाम कमाना हो तो मोदी प्रधानमंत्री एक बार बन चुका इतिहास में नाम दर्ज हो चुका और कोई भी होता तो प्रधानमंत्री पद की मौज लेता होगा लेकिन ये मजदूर मोदी है कामदार मोदी है जीवन की आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जिऊंगा। साथियों ये आपका जो प्यार है ना आपका ये जो आशीर्वाद है इससे बड़ा जीवन का भाग्य क्या हो सकता है जी ये पद और प्रतिष्ठा इस प्यार के आगे कुछ नहीं है साथियों अभी कुछ समय पहले अयोध्या में पांच सौ साल के बाद पांच सौ साल के बाद 500 साल में कितनी पीढ़ियां बीत गई 500 साल में लाखों लोग प्रभु राम के मंदिर के लिए शहीद हो गए मेरे और आपके पूर्वजों ने राम मंदिर का समान वापस लौटाने के लिए शहादत मोड़ ली आप मुझे बताइए भाइयों बहनों पंद्रह अगस्त देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था क्या प्रभु राम का इतना हक थाक नहीं था गुलामी की जंजीरें टूटी लेकिन हमारे रामलला को घर नहीं मिला अदालतों में जंग चलते रहे आप मुझे बताइए पांच सौ साल के बाद जो सपना हमारे पूर्वजों ने संजोया था जो सपना आपने संजोया था वो सपना आपकी आंखों के सामने पूरा हुआ कि नहीं हुआ आपकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ क्यों किसके कारण किसके कारण फिर कहता हूं ये मोदी के कारण नहीं आपके वोट के कारण हुआ है क्योंकि आपने के मन में जो भी अभी राम मंदिर दर्शन नहीं करने के आपके मन में इच्छा है कि नहीं राम मंदिर के दर्शन करने की जरा हाथ ऊपर करो इच्छा है कि नहीं है सबकी इच्छा है ना आपके मन में होता है कि माता पिता को लेकर राम मंदिर के दर्शन जाएंगे आप उसको अपना सौभाग्य मानते हैं ना आप इसको अपना गर्व मानते हैं ना लेकिन देखिए जब प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और राम मंदिर ट्रस्ट वाले ये कांग्रेस के नेताओं के घर गए ये इंडी अलायंस के उनके लोगों के घर गए उनको जाकर के निमंत्रण दिया कि प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर है आप आइए इन्होंने क्या किया राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस पवित्र कार्यक्रम का पवित्र निमंत्रण इन्होंने ठुकरा दिया आप मुझे बताया ये जिन्होंने राम लला के निमंत्रण को ठुकरा दिया उनको आप ठुकराएंगे कि नहीं ठुकराएंगे ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए भाइयों बहनों ये प्रभु श्री राम का तो अपमान है ये, 500 साल के संघर्ष का अपमान है 500 साल की लक्षावधि लोगों की शहादत का अपमान है ये कांग्रेस वालों को ये हनुमान जी की धरती कभी माफ कर सकती है क्या और साथियों इतना बड़ा देश मुझे जरा बताइए इतना बड़ा देश कोई डरपोक नेता इतने बड़े देश को चला सकता है क्या देश चलाने के लिए मजबूत नेता चाहिए कि नहीं चाहिए ये कैसे लोग हैं उनको तो लगता था कि राम मंदिर बनेगा देश में आग लग जाएगी मुझे बताइए भाई आग लगी क्या कहीं आग लगी क्या आग नहीं लगी उन लोगों को मिर्ची लगी तीन सौ सत्तर ये लोग 370 कोई ऐसी जादुई चिराग है जैसे बड़े सोने के डिब्बे में ऐसे रोज पूजा पाठ में रखे हुए बैठे थे और देश को डरा रहे थे 370 को हाथ लगाया तो देश टूट जाएगा खून की नदियां बहेगी ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे तीन सौ सत्तर हटागनी हटा, नहीं हटा।, हटा नहीं हटा कश्मीर में शान से तिरंगा फहर रहा फहर रहा है साथियों मुझे याद है मैं 91-92 में कन्याकुमारी से तिरंगा झंडा लेकर के निकला था श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना था उस समय श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगे झंडे को जलाया जाता था तिरंगे झंडे को जूतों तले उसको घसीटा जाता था रौंद दिया जाता था और मुझे याद है यहां रायचूर के लोग होंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूं ये करीब 30-35 साल पहले की बात है हम जब यात्रा लेकर के चले तो हम रायचूर जब पहुंचे तो रात के तीन बज गए थे रात को तीन बजे और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यार रात को तीन बज गए रायचूर में कौन होगा अब जाकर के हम सो जाएंगे लेकिन हम हैरान थे रात को तीन बजे पूरा रायचूर सड़कों पर था और मैंने आज से पैंतीस साल पहले रायचूर के लोगों का जो प्यार देखा था ना जो उत्साह देखा था जो ताकत मिली थी जब प्रधानमंत्री बना तो 370 हटा के रहा और आज दुनिया भर के लोग कश्मीर जा रहे हैं हिस्ट्री में इतने टूरिस्ट नहीं गए थे इतने आज कश्मीर जा रहे हैं और ये कांग्रेस वाले संविधान के नाम पर रोटियां सेकने निकले एस सी के नाम पर रोटियां सेकने निकले इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को कश्मीर की धरती पर लागू नहीं होने दिया था कश्मीर का संविधान अलग था बाबा साहब आम्बेडकर का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है भारत के संविधान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है एस सी कम्युनिटी को जम्मू कश्मीर में आरक्षण सत्तर साल तक नहीं मिला तीन सौ सत्तर ने अटका के रखा था संविधान वहां घुस नहीं सकता था ये बाबा साहब आम्बेडकर को मैंने श्रद्धांजलि दी है मैंने संविधान का सम्मान किया है और तीन हटा करके जम्मू कश्मीर के दलितों को आरक्षण का अधिकार दिया है भाइयों बहनों कांग्रेस हमेशा एस सी एस ओबीसी और महिला विरोधी रही है बीजेपी ने देश में पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया लेकिन आदिवासी महिला को चुनाव हराने के लिए ये इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत लगा दी पूरी ताकत लगा दी और इसके पहले 2014 में जब हम जीत के आए और हमें जब पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जीतने की संभावना लगी तो हमने एक दलित मां के बेटे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए हमने उम्मीदवार बनाया उसको हराने के लिए पीछे लग गए लोग यानी दलित राष्ट्रपति बने ये कांग्रेस को मंजूर नहीं महिला राष्ट्रपति बने आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने उसका भी विरोध कांग्रेस देश के संविधान की कभी परवाह नहीं करती कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के खिलाफ जाकर ओबीसी आरक्षण में लूट चलाई है ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी की है कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को धर्म के नाम पर बांट दिया है अब यही आरक्षण विरोधी एजेंडा ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं साथियों कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजाब अब आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है ये मैं खबर आपको चौंकाने वाली खबर देना चाहता हूं बताऊं ध्यान से सुनोगे ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है अब कांग्रेस सरकार ने उनके फिलोसोफर एंड गाइड ने अमेरिका से घोषणा की है 2011 2011-12 में उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने इच्छा जाहिर की थी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वो देश की जो भी लोगों की संपत्ति है उसका हिसाब किताब करेंगे एक्सरे लगाएंगे एक्सरे आपके लॉकर में क्या पड़ा है हमारे पास गहने कितने हैं सोना कितना है हिसाब लगाएंगे और फिर एक कानून लाने वाले हैं आप मुझे बताइए हमारे देश में हम लोग जो है परिवार कोई भी माँ बाप होंगे वो मेहनत करके कुछ न कुछ बचाते हैं कि नहीं बचाते बचाते हैं कि नहीं बचाते जो भी उनकी ताकत होगी कुछ न कुछ बचाते रहते नहीं बचाते और उनके मन में क्या रहता है उनके मन में रहता है कि मरने के बाद ये बच्चों के काम आएगा ऐसा होता है कि नहीं होता है वो अपने संतानों को देख करके जाना चाहते हैं ना अब ये कांग्रेस की नजर उस पर है आपने मेहनत करके जो कमाया घर बनाया गाड़ी ली कुछ सोना ला करके रखा कुछ एफड़ी बना करके रखी पाई पाई बचा करके कुछ इकट्ठा किया क्यों कि मरने के बाद बच्चों को तकलीफ ना हो अब कांग्रेस मरने के बाद आपको आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं देने देगी कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही है मतलब आपके पास जो है उसमें से आधे से ज्यादा 55 परसेंट पचपन प्रतिशत ये कांग्रेस की गठबंधन की सरकार दिल्ली में बैठेगी तो वो उसको हड़प कर लेगी और लेकर के अपनी वोट बैंक के लोगों को बांट देगी आप बताइए आपने अपने बच्चों के लिए जो इकट्ठा किया है वो सरकार को रो हड़पने देंगे क्या लेने देंगे क्या आपकी संपत्ति आपके पास रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए मुझे बताइए ये आपकी रक्षा कौन करेगा कौन करेगा यह आपकी लूट को कौन बचाएगा मैं आपको गारंटी देता हूं ये मोदी बचाएगा और इसलिए मोदी अपने लिए नहीं आपके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया है ये भ्रष्टाचारी देश के संसाधनों के बाद अब देशवासियों की पर्सनल प्रॉपर्टी तक हड़पना चाहते हैं साथियों बेलारी और बीजेपी का तो विकास और विश्वास का रिश्ता रहा है बेलारी ने बीजेपी भी का विकास भी देखा है विश्वास भी देखा है और कांग्रेस का विश्वासघात भी देखा है हम सबकी लोकप्रिय नेता स्वर्गीय सुषमा सु, स्वराज ने यहां से चुनाव लड़ा था उन्होंने बेलारी से कांग्रेस के परिवारवाद को चुनौती दी थी हार के बावजूद सुषमा जी लगातार बेलारी के साथ अपना नाता जोड़ के रखा बेलारी के सुख दुख के साथ वो हमेशा जुड़ी रही बहन सुषमा जी बाद में भी बेलारी आती थी यहां के लोगों से मिलती थी लेकिन कांग्रेस की मुखिया मैडम जिन्हें बेलारी ने चुनाव जीतवाया उन्होंने कभी बेलारी की परवाह नहीं की भाई जो बहनों आपके साथ दगा किया धोखा किया आपके साथ अब तो हाल ये है कांग्रेस के नेताओं का मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि इस चुनाव में ये कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे तो ये हंस रहे थे मैंने कहा आपके बड़े बड़े नेता लोकसभा का चुनाव से भाग जाएंगे और राज्यसभा में घुस जाएंगे और ऐसा ही हुआ जिस सीट पर ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे उसे भी छोड़कर के भागना पड़ा इनको साथियों झूठ बोलना अफवाह फैलाना धोखा देना कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली कई पीढ़ियों से गरीबी हटाओ का नारा देती है आज भी कांग्रेस के शाहजादे वही नारा देते घूमते फिरते इसी तरह कांग्रेस के शाहजादे ने बेलारी की जींस इंडस्ट्री को सरकार बनने के एक महीने के भीतर पैकेज देने का वादा किया था वादा किया था कि नहीं किया था अभी फिर शाहजादे यहां आए फिर से वही झूठा वादा दोहरा करके कर चले गए साथियों सात मई को आपका एक एक वोट कांग्रेस के गलत मंसूबों को कामयाब होने से रोकेगा अब जेडीएस भी हमारे साथ है और हमारा अलायंस किसानों और युवाओं के लिए काम करेगा आपका वोट भारत के विकास अभियान को ताकत देगा यहां बेलारी से मेरे बहुत पुराने साथी बी श्री रामलू जी और कोपल से बसवराज क्यावातर को आप विजयी बनाइए और आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना आप जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे सात मई को तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी का मजबूत होना मतलब आपके सपनों को साकार करना मोदी का मजबूत होना मतलब मेरा भारत मेरा परिवार मेरा आपसे अनुरोध है इन्हें बड़ी जीत दिलाने के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो अधिक से अधिक मतदान करें करेंगे मतदान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे आपका एक वोट मोदी को मजबूत करेगा और मजबूत मोदी सुरक्षित भारत की गारंटी है मजबूत मोदी विकसित भारत की गारंटी है मजबूत मोदी विकसित कर्नाटका की गारंटी है अच्छा मेरा एक काम करोगे मेरा एक पर्सनल काम करोगे ऐसा नहीं सब बताऊंगा तो बोलूंगा अच्छा, मेरा एक पर्सनल काम करोगे पक्का करोगे अच्छा एक काम करो अपना मोबाइल फोन बाहर निकाल के उसकी फ्लैश लाइट चालू करो पहले अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करो सबके सब, सब मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए सबके सबकी मोबाइल की, की फ्लैश लाइट चालू हो अच्छा मेरी बात सुनिए मेरा एक काम करना है मैं बताऊं भारत माता की मेरा काम सुनिए मेरा एक काम मेरा पर्सनल काम है करोगे मेरा पर्सनल काम करोगे आप ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाइए लोगों से मिलिए और उनको बताइए अपने मोदी जी अपने बेलारी क्षेत्र में आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे घर घर मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे हर परिवार को मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद